हुजूर वजह क्या होगी? डरने की, बुजदिली की, ईमान की खराबी, जोश हदीस पाक। तो हुजूर ने दो पॉइंट बताए कि दो रीजन हो जाएंगे उससे। बुनियादी चीज़ है बेसिक, आप देख लीजिएगा, आली मिल बुना अपनी जगह, दाली वगैरह अपनी जगह, लेकिन दिल में अगर जलवा नहीं है और मैं दो चीज़ें होंगी, वह हब्बुद दुनिया, यहाँ से यहाँ तक दुनिया की मोहब्बत में बोलेंगे, तकरीर वगैरह सब कुछ अपनी जगह, किताबें, हज, उमरा, नमाज, वह हब्बुद दुनिया इसमें डूबे होंगे, वह कराहियतुल मौत, हालांकि मौत जो है मुहिब को महबूब से मिलाती है। बद्र में और उहद में जलवे क्या थे सुभान अल्लाह, मालूम क्या हुआ, वो उसमें डीप में ना जाके, आपको दुबई जाना है, फ्लावर पास करना है, तो आपको स्टडी करना ना, उस पुल से डर के काम नहीं चलेगा, स्टडी करना है आपको कि कैसे ये मौत क्या है, फना क्या है, फसे मुर्दन है वादा दीदार, मौत तो आते ही आएगी, यहाँ क़यामत की है सरकार, कि मरने पर ठहरा है नज़ारा चेहरा, फसे मुर्दन, तो मालूम क्या हुआ, उस चीज़ को इतना ज़्यादा टिपिकल, इतना वो कर दिया, तो सरकार की जजादे, मैं तो कहता हूँ मद हरे मोहम्मद वो हस्ती जो पहला वो शहजादा है सुभान अल्लाह, ज़ाकी के दोषी इज़्ज़त के नाम से वो शहजादे रुफ़क़ा, सब टेंशन की बात है, आप लोग गमगीन की मौत से मत डरो, हाँ बिल्कुल जायका चखना है, लेकिन मेरी एक बात सुनो, बचपन से भाई ने मुझे उस बात का सहारा दिया, वो नूरानी बात याद रखी, कहा मौत से मत डरो, दुआ करो ईमान पे और दीन नबी पर दम, जब दम निकलना है उससे बच नहीं पाओगे डर के इलाज करके, आज क्या शुगर है फला है, डॉक्टर कहते हैं ना भाई का पूरा खानदान लग जाता है, लेकिन मजहबी रिपोर्ट बताइए बहुत खतरे में हो, इलाज कर लो, इश्क़ रसूल, ईमान पैदा हो, अहले बैत की मोहब्बत, तो उसकी उसको आदमी लाइटली देगा, प्रेफरेंस नहीं देगा, वो प्रायोरिटी नहीं है, यही वजह कौम के भुगत नहीं लग रहे हैं जी। मैंने कितने लोगों से कहा कि तुम आलिम मौलाना के जो मोहताज बन के रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, तुम बेसिक तौर पे इनके इश्क रसूल ऐसा आलिम रखो, वहाँ जयपुरिया पढ़ा रहे, वहाँ साबू सिद्दीकी पढ़ा रहे, वहाँ फला यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे, इनको दो तीन साल इश्क रसूल अहले बैत सहाबा वो पढ़ा दो ईमान, ताकि ये बच्चा गुमराह ना हो आगे, उसमें कितना पैसा खर्चा हो, देखिए इंसान की नीयत देखिए, आप उसमें 500 रुपये देगा, 1000 रुपये देगा, तो क्या कौन मिलेगा, मैंने अभी लखनऊ में साहब को टेस्ट लिया, तो वो खुद नहीं जानते, कुरान पाक क्या समझाएंगे, जब कुछ समझे हो तब समझाएंगे ना भाई ना, तो फरमाया डरो मत, दब निकलना है, दुआ ये करो कि दीन नबी पर, कुत्ता कुत्ते की मौत मरेगा, लेकिन बदरो हद में क्या नूर है सुभान अल्लाह, जानी सारा ने बदरो को हद पर दुरूद है सुभान अल्लाह, हक गुजारा ने बेहद लाखों सलाम, और एक आखिरी बात पे इंशाल्लाह अपना सफ़र करें, फिर मुलाकात सरकार ने अल्लाह रसूल ने चाहा तो होगी, मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर कहता हूँ ये फिक्र में जो हो ना, ये विटामिन खा के, खाने खा के, देसी मुर्गे और जिम करके, दूध पी के, अगर ताकत चाहिए तो गुजार ने सरकार मौला के दर के कुत्ते की बात सुनो, ताकत यहाँ से नहीं मिलती है, अगर ताकत चाहिए तो फरमाते हैं, हालांकि मुझे बहुत पसंद है ये बात, फरमाते हैं या रसूल वसम के सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने, मालूम क्या हुआ कि वहाँ पर उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूठे था ना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी, मर्दानगी जो मिलती है ना वही तो भाईजान छीना गया, आप गौर कर रहे ना, जितने आप डिपार्ट देखें, अब तो आप आए भी आ गए ना आपके इंडिया पाकिस्तान में, अरे मीठी मीठी भाइयों, मीठी मीठी बहनों, दुपट्टे उड़ा दिए, उनको छक्का बना दिया, इड़ला बना दिया, तबलीग कर रहे हैं ये तबलीग कर रहे हो, ये सनाना बना रहे हो, अरे मर्द और होता है, औरत और होती है, तुमने DISDI के नाम पर तुमने ये दुकानें खोली हैं, ये जो कौम को इस तरह के सबसे बेसिक चीज़ ये है, हम चलते चलते एक बात कह दी, मुझे बताइए डॉक्टर आपसे कि एक केस एक्सीडेंट चल रहा है, हड्डी टूट गई, खून निकलना है, भाई साहब आपको नहीं मालूम, मैं डॉक्टर हूँ, पहले इसकी जान बच जाए, ऑक्सीजन नहीं है ना, बेस्ट जान है ना, मैं कहता हूँ कोई आलिम हो, बरेली शरीफ, महराज शरीफ, कोई पीर, कोई भी साहब, एक बात पूछ लो इन बुजुर्गों से, हुजूर जान क्या है, पहले दाढ़ी बचाएं, पहले मिसवाक लगाएं, पहले जुब्बा पहनाएं, पहले इसको इल्म दें, पहले क्या करें, बेस बता दीजिए, बेस जान क्या है, तो क्या फरमाते हैं अल्लाह तआला, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, इतनी भाईजान बात सिंपल काफ़ी है, इस पर पूरा फोकस, पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, जान है इश्क, ये बचा लो, ये तो बड़ी बड़ी रामदेव पंजाबी सबके पास लंबी लंबी है, और इल्म अरबी, यहाँ पर सुपर भी बोल रहा है अरबी, ठीक है, दिखा रहा इंडिया पाकिस्तान में, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, आगे फरमाते क्या, देखिए बड़ी प्यारी बात, और रोज़ फजू करे खुदा, दुआ ये करो कि ये इश्क की गर्मी और ये नूर पलता रहे इंशाल्लाह, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाजे दवा उठाए क्यों, जब इंशाल्लाह ये लेकर जाओगे हैं तो लोग कहते हैं वो तुम्हारे बिच्छू होगा कब्र में, या तारी शाकरी बैठते ना साफ होगा, हमने तुम्हारी कब्रों में होगा, हमारे नहीं होगा इंशाल्लाह, अहले बैत के दीवाने या सरकारों के चाहने वाले हमारे रजा फरमाते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, या रसूलल्लाह फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, वो दर भी ऐसे नहीं मिल जाएगा, मैंने कहा
तुम गुस्ताख अहले बैत के कुत्तों सुनो, अली को क्या समझोगे? नबी की गली नहीं समझ सकते। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे मअल्लाह अली है, नकीरैन करती हैं ताजी और फरमाते हैं हजर, फरमाते हैं अल्लाह अकबर, फरमाते हैं वो उस राह रबे लामका की गली है, वो उस राह रबे लामका की गली है। कसम खुदा की खा रहा हूँ मदीना शरीफ में, हम अजमेर शरीफ में सोचते हैं कि हुजूर साबिर किया गरीब नवाज आपकी गली में ऐसा ऐसा मिलता है सरकार, हमने खुद देखा भाई जान 25-25 साल में, जब उस गली को नहीं समझ पाए तो फिर इस गली का क्या आलम, और जब ये गली नहीं समझ सकते तो अली तो अली है। सुभान अल्लाह, तो हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का करम, हुजूर की अता, ये कुछ करम की बात थी, आज दिल बेचैन था, आप लोग मिल गए, अल्लाह कबूल कर ले। इस बात पर पूरी बात करते हैं कि सलामी जिसके दर का हर वली है वो अली है, वो अली वो सलाम भी छपाया मैंने, असलाम अहमद शहर आमदा अला सदा ने उसको खुद लिखा है, ताकि ये